Hey everyone, I hope you all are doing good and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिफेक्शन की मीनिंग क्या होती है। तो डिफेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई मेंबर अगर अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले और या फिर अगर वो मेंबर अपनी लीडर के अगेंस्ट जाके जो है वोट करे, तो बेसिकली इसका ये मतलब है। अब हम इसके बाद देखेंगे सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस एक्ट को जो है बेसिकली जो 10th शेड्यूल है इसको इंसर्ट की गई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1984 एंड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये होता है कि अगर कोई लेजिस्लेटर है उसके अगेंस्ट बाकी मेंबर ऑफ हाउस जो हैं उन्होंने अगर पिटीशन फाइल की है अगर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, तो उसके अगेंस्ट जो है ये मोशन चलाई जाती है, दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड देन क्या होता है कि जो चेयरमैन है या फिर जो स्पीकर है उस हाउस का, वो जो है अपना डिसीजन बताता है, तो उसकी डिसीजन जो होती है वो फाइनल होती है। और ये लॉ जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। सो दीज वेयर सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस लॉ। तो अब हम बात करेंगे अबाउट ऑन व्हाट बेसिस डिस्क्वालिफिकेशन इज़ डन। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि पहला जो है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटेरली गिव अप करता है। सेकेंड थिंग इज़ अगर कोई मेंबर है उसने अपनी पार्टी के लीडर के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके वोट की है तो वो डिस्क्वालीफाई होने के लिए जो है एलिजिबल है। देन एक यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि अगर वो मेंबर जो है उसने अगर अपने लीडर से पहले ही जो है इसकी परमिशन ली है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकता है, या फिर अगर उस पार्टी के लीडर ने जो है उसके अगेंस्ट जो है कोई मोशन नहीं चलाई इसके तहत अगर विद इन 15 डेज जब से उसने वोट की है, तो वो जो मेंबर है वो बच जाएगा फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। थर्ड कंडीशन इज़ अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसने इलेक्शन जीतने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो उसके खिलाफ़ भी जो है ये जो लॉ है एप्लीकेबल है। लास्ट पॉइंट इज़ अगर कोई कैंडिडेट मेंबर है उसने 6 मंथ्स के बाद जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन की है, बेसिकली 6 मंथ्स आफ्टर ही बिकेम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। सो दीज आर द 4 कंडीशंस ओवर हियर। अब हम बात करेंगे अबाउट एक्सेप्शंस की डिस्क्वालिफिकेशन से कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंडीशन ये है कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं पार्टी के वो अगर किसी और पार्टी के साथ मर्ज होना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे जो मेंबर ज्वाइन कर रही है दूसरे पार्टी को और जो दूसरे पार्टी जो बेसिकली जिसमें ज्वाइन हो किया जा रहा है, इन दोनों में से किसी के ऊपर भी ये जो है लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी लॉयल्टी को मेंटेन करता है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी टू विच दे बिलोंग एंड टू द सिटीजन्स जिन्होंने वोट दे के इन्हें जिताया है। थर्ड पॉइंट इज इट प्रमोट्स पार्टी डिसिप्लिन। फोर्थ पॉइंट इज कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टी की मर्जिंग को भी जो है फैसिलिटेट करता है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है ये है कि ये करप्शन को जो है प्रिवेंट करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को पार्टी फ्रीक्वेंटली चेंज करने से बचाता है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी चैलेंजेस ऑफ दिस लॉ। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर चाहता है कि वो अपनी लीडर के अगेंस्ट जाके वोट करे, बेसिकली अगर उसे ये वोटिंग सही लग रही है लेकिन लीडर के अगेंस्ट वोट करना क्योंकि ये एक वन ऑफ द कंडीशंस है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी है वो जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स कि हर एक मेंबर को अपने हिसाब से वोट करने का जो अधिकार है वो नहीं है। चैलेंजेस में अगर हम एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे जो पावर की जो सेंट्रलाइजेशन हो रही है वो एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा है, ना कि लेजिस्लेचर के पास। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की तो वहाँ पे हर एक जो मतलब जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी हैं, सबके पास अपने अपने पावर्स होते हैं। लेकिन इस लॉ के तहत यहाँ पर ये एक चैलेंज है कि जो पावर है इट इज़ सेंट्रलाइज्ड इन द एग्जीक्यूटिव।
क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई मेंबर जो है पार्टी का, वो अपनी पार्टी के लीडर के अगेंस्ट जाके वोट करता है, अपनी पार्टी के लीडर के डायरेक्शंस के अगेंस्ट, तो उसके खिलाफ जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका अपना जो जो भी डिसीजन है वो कहीं ना कहीं उतना इम्पोर्टेंस उनको नहीं दिया जाता है, और जो पार्टी के लीडर्स हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है डिसीजन का वो ही ज़्यादा हावी होता है। तो ऑब्वियसली जैसा कि बताया मैंने कि जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे बात आती है अगेन कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी अगर बात करें तो इट इज़ नॉट गुड ओवर हियर, और ये जो है दो मेजर चैलेंजेस हैं। एंड लास्ट वन इज़ बेसिकली अगर कोई स्पीकर जो है वो बियास्ड है तो वो अपनी पार्टी के हित में जाके अगर कोई मेंबर है उसे एंटी डिफेक्शन लॉ अगर उसके अगेंस्ट पास करना है तो वो कर सकता है। एंड ये जो है एक मेजर चैलेंज है इस लॉ का कि कहाँ कहाँ पे जो है लूप होल्स क्रिएट हो रहे हैं इस लॉ से। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ दिस लॉ। अब हम बात करेंगे अबाउट द फेमस केस ऑफ होलोहन। सो ये जो 1992 का केस है, इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो जो 10th शेड्यूल है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, और अगर बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की या एक्सप्रेशन की या फिर जो राइट्स हैं जो मेंबर्स हैं कैंडिडेट मेंबर्स लेजिस्लेचर्स उनकी राइट्स जो है ये तीनों चीज़ जो है वॉयलेट नहीं हो रही हैं, तो इट इज़ नॉट वॉयलेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द राइट्स विच आर हेल्ड बाई द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्टेड हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द लूप होल्स इज कि स्पीकर जो है वो बियस्ड हो जाता है और वो अपनी पार्टी के हित में डिसीजन देता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो स्पीकर जो है वो जो है डिसीजन उसका फाइनल है, लेकिन उसका डिसीजन जो है इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो यहाँ पे फैक्ट है। लास्टली वी विल टॉक अबाउट some of the recommendations which have been given by the experts for this law. तो कुछ experts का मानना है कि इस law को use करना चाहिए rationally for the passing of the annual budget or no confidence motion. Next is election commission का ये मानना है कि इस law के decision making जो power है वो speaker को ना देके president या governor को दे देनी चाहिए, and इसकी decision जो है ये it should be in consultation with the election commission. ऑल्सो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन के जजमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं उनकी जो इलेक्शन होती है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्हें अगर कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रही है तो इट इज़ नॉट सूटेबल कि स्पीकर जो है डिसीजन दे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्पीकर लॉन्ग टर्म के लिए जो है अपनी पावर में रहे। तो बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि डिसीजंस दे कि डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।